हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नेहा मौर्य, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से 15 मिनट में प्रेशर कुकर में कटहल बिरयानी। मैं आपको मैरिनेशन की पूरी रेसिपी बताऊंगी, कटहल को मैरिनेट करने का तरीका और होममेड बिरयानी मसाला भी मैं बनाऊंगी घर पे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मसाले बना लेते हैं बिरयानी के। 3 से 4 तेज़पत्ता चाहिए होगा और 2 इंच के करीब हमने छान लिया है स्टोन फ्लावर यानी कि, और 3 काली इलायची है, 2 टुकड़ा दालचीनी का है, 2-3 लाल मिर्च ले सकते हैं, 2 चम्मच सौंफ लिया है हमने और 3 चम्मच धनिया लिया है और 2 चम्मच हमने लिया हुआ है जीरा और 2 लिया हुआ है स्टार यानी चक्री फूल और 9 से 10 लौंग है और 1/2 चम्मच काली मिर्च है और 6 से 7 हरी इलायची और थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा। और इन सारे मसालों को हम भून लेंगे, बहुत ज़्यादा जलाएंगे नहीं, थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो मसाले हमने भून लिए हैं, 1 मिनट में भून जाता है मसाला और अभी इसको बाहर निकालेंगे, ठंडा कर लेंगे और इसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। एकदम बारीक पाउडर भी मत बनाइएगा, थोड़ा सा इसको हल्का दरदरा कीजिएगा, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। जब भी घर पे बिरयानी बनाइए, इस तरीके से आप मसाले बना लीजिए, बिरयानी आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। बाहर से मसाला लाने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए और सारे मसाले हों आप तभी जो है मसाला बनाइए, क्योंकि फ़्लेवर तभी अच्छा आएगा। तो चलिए अभी चलते हैं हम कटहल की तरफ। तो यहाँ पर हमने कच्चे कटहल लिए हुए हैं और इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है, इसको छील के। कई बार बिरयानी जब आप बनाते हो तो आप कटहल को डीप फ्राई भी करते हो और कई बार आप इसको बॉईल कर लेते हो, तो ये बिल्कुल अलग और नया तरीका है। तो सबसे पहले आपको कटहल को मैरिनेट कर लेना है। यहाँ 1 कप हमने दही ऐड कर लिया है कटहल में और 1 भर के चम्मच हमने बिरयानी मसाला ऐड किया जो कि हमने बनाया था, और 2 से 3 चम्मच पुदीने के पत्ते ऐड कर लीजिएगा अच्छे से, पुदीना बहुत टेस्टी लगता है इसमें, और धनिया ऐड कर लीजिएगा बारीक कटा हुआ और 2 से 3 हरी मिर्च और 1 चम्मच भर के आप कश्मीरी मिर्च ऐड कर लीजिएगा, ये सिर्फ कलर के लिए होता है। 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है, हल्दी पाउडर बहुत कम लगेगा इसमें, और इसके बाद 1 चम्मच भर के जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भी आप ऐड कर सकते हैं, इसका टेस्ट अच्छा ही आता है। और 1 नींबू का रस हमने ऐड कर लिया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे बहुत ही लाइटली, क्योंकि नमक तो अभी हमें बाद में भी ऐड करना है। अभी इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन आप 3 से 4 घंटे पहले भी आप कटहल को मैरिनेशन पर रख सकते हैं, जितने अच्छे से मैरिनेट होगा कटहल बिरयानी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। 20 मिनट तो आपको रखना ही रखना है, बाकी आपके पास जितना टाइम हो आप रख सकते हैं इसे। तो चलिए अभी हम तड़के के लिए मसाले देख लेते हैं। 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, 3 हमने लिया हुआ है काली इलायची है और 3 से 4 हरी इलायची ले लेंगे, 1 लिया है चक्री फूल और 2 टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ा सा हमने लिया है जायफल, स्टोन फ्लावर लिया हुआ है हमने 1 इंच के करीब। इसके बाद यहाँ पर हमने लिया हुआ है 7 से 8 लौंग है और 1 चम्मच के करीबन हमने लिया हुआ है काली मिर्च, और इसके बाद इसमें जाएगा 3 से 4 तेज़पत्ता। तो ये रहे हमारे सारे मसाले जिनसे हम तड़का लगाने वाले हैं कटहल में। और अभी हमने एक कुकर गरम कर लिया है जिसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, जो भी ऑयल आप खाते हैं ले सकते हैं। तेल जब गरम हो जाए तो इसमें हम सारे साबुत मसाले ऐड कर लेंगे और इनको हम भून लेंगे। जब मसाले हमारे भून जाएँ तो इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे भी हम थोड़ा सा भूनेंगे और इसके बाद इसमें जाएगा 5 से 6 स्लाइसेस में कटे हुए ऑनियन। बाकी जब आप बिरयानी बनाते हैं तो आप ऑनियन अलग से डीप फ्राई करते हैं उसके बाद आप यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर हम बिल्कुल अलग तरीके से कटहल बिरयानी बना रहे हैं प्रेशर कुकर में, तो आपको डीप फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से बिरयानी बनाइए। जब प्याज हमारी इस तरीके से लाइट ब्राउन हो जाए तो इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे मैरिनेटेड कटहल जो कि हमने पहले मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो चलिए अभी हम कुकर में कटहल को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद इसे हम भूनेंगे। तो सारे कटहल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे नमक। तो अब यहाँ पर हमको जितना नमक चाहिए होगा यहीं पर हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि अब इसमें बाद में नमक नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमने नमक ऐड कर लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बिरयानी मसाला हमने ऐड कर लिया है 1 चम्मच भर के। अब इसे हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि हमारे कटहल के अंदर तक अच्छे से मसाले चले जाएं
और कटहल हमारा अच्छे से भून जाए। तो मीडियम फ्लेम पर इसे हमें 3 से 4 मिनट तक भून लेना है। कटहल को बहुत ही सावधानी से चलाएंगे ताकि उसके जो पीस हैं वो ज़्यादा टूटे नहीं। और जब हमारा कटहल भुन जाए तो इसके बाद यहाँ पर हम चावल ऐड करेंगे। चावल को आपने आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रख देना होता है। और बिरयानी के लिए आपको हमेशा लंबे चावल का यूज़ करना है, इसे बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चावल पे भी डिपेंड करता है बिरयानी का टेस्ट। तो यहाँ पर हमने चावल को भिगा के रखा हुआ था, तो इसको हमने अच्छे से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है। तो चलिए अभी इसे हम कटहल में ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स। चावल ऐड करने के बाद आप इसे बहुत ज़्यादा ना चलाएं, क्योंकि चावल भीगा होता है तो उसके टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहुत ही आराम से आपको इसे मिक्स कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर हम पानी ऐड कर लेंगे। तो जितना पानी आप नॉर्मल चावल के लिए ऐड करते हैं तो उतना ही पानी इसमें चाहिए होगा, जिससे आपका चावल एकदम खिला खिला और अलग अलग रहे। तो यहाँ पर हमने पानी ऐड कर लिया है। और अगर आपको ऐसे नहीं अंदाज़ा मिलता है तो इसका एक और भी तरीका है, आप अपने उंगलियों की सहायता से इसे चेक कर सकते हैं। चावल के ऊपर आपके 1 इंच के करीब पानी होना चाहिए, इससे एकदम परफेक्ट बिरयानी बनके तैयार होगी। तो पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने धनिया के पत्ते ऐड कर लिए हैं बारीक कटे हुए। और इसके बाद इसमें हमने ऐड कर लिया है पुदीना। पुदीना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बिरयानी मसाला ऐड कर लिया है हमने थोड़ा सा। और इसके बाद इसमें जाएगा सैफ्रन मिल्क। यहाँ पर हमने गरम दूध में केसर को भिगा के रखा हुआ था, इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर लें, वरना बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसके बाद यहाँ पर हमने हरी मिर्च ऐड कर लिया है। और इसमें जाएगा 2 चम्मच भर के देसी घी। घी ज़रूर ऐड करिएगा बिरयानी में, घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब प्रेशर कुकर को हम ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पर आपको इसमें 1 सीटी आने देना है। जब 1 सीटी अच्छे से आ जाए तो उसके बाद गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 1 मिनट पकाएंगे। 1 मिनट के बाद हम गैस बिल्कुल ऑफ कर देंगे और 10 से 15 मिनट वेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से 20 मिनट भी वेट कर सकते हैं। जितना देर आप कुकर को रेस्ट पे रखेंगे बिरयानी आपकी उतनी ही परफेक्ट बनके तैयार होगी। क्योंकि अगर आप तुरंत कुकर ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारी स्टीम होती है और जिसकी वजह से चावल चिपके से रहते हैं। जब सारी स्टीम ख़त्म हो जाएगी तो बिरयानी का चावल एक एक अलग अलग हो जाएगा। हमारी बिरयानी बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हुई है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं है, एकदम खिला खिला चावल है। और कटहल भी हमारा अच्छे से पक गया है। इस तरीके से आप प्रेशर कुकर में बिरयानी ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स। अगर आप चावल को अलग से बॉईल करते हैं और कटहल को डीप फ्राई करते हैं तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। और इसकी वजह से आप बिरयानी बनाना पसंद नहीं करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बनाते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं बनाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उस तरीके से। और ये जो तरीका है ये बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता है, 15 मिनट में आप बना सकते हैं। कटहल मैरिनेशन में टाइम लगता है, वो प्रोसेस आप पहले से करके रख लीजिए और जब आपको बनाना हो तो उसे 15 मिनट लगेगा। तो चलिए अभी इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। और मैंने इसको मिंट लीव से और कोरिएंडर लीव से मैंने इसको गार्निशिंग कर दिया है। और बिरयानी दही के साथ नींबू, हरी मिर्च और प्याज, हरी चटनी, इन सब के साथ खाई जाती है। बाकी आप अपने पसंद के हिसाब से कोई सा भी एक रायता भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, बूंदी का रायता और ओनियन का रायता। तो फ्रेंड्स आप बिरयानी बनाइए, खाइए। और मैं यकीनन के साथ कह सकती हूँ, इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आप एक बार बना के खा लेंगे तो आप बार बार बनाएंगे, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मेरे तरीके से आप बिरयानी मसाला ज़रूर बनाइएगा, बाहर से बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। एक बार बना के देखिए, अगर नहीं पसंद आता है तो मत बनाइएगा, पर एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा बिरयानी मसाला। 100% गारंटी लेती हूँ कि आप दोबारा मार्केट से बिरयानी मसाला नहीं खरीदेंगे अगर आप बना लेंगे एक बार तो। बिरयानी के साथ खाया जाने वाला सैलड, चटनी, इस सब की वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखी मेरे चैनल में, एंड स्क्रीन में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप खाना घर में बनाइए, रेस्टोरेंट वाला स्वाद आपको मिलेगा और
अपनी फैमिली को भी खिलाइए, सबको खुश रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स, और हमारे इस वीडियो को अगर आपने ज़रा सा भी इंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपने रिश्तेदारों के साथ भी, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके साथ नई नई वीडियो शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। आप लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से हमारे चैनल पर 500 लोगों की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, यानी 500 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्दी 1K भी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।